वो कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े से ही बहुत होता है। दोस्त थोड़े से चल पड़ा हूँ बहुत की तलाश में। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, बहती नदियाँ, वीरान रास्ते, ये सब कुछ इस सफ़र पर एक उम्मीद के साथ कि वो बहुत एक दिन मुझे ज़रूर मिलेगी। क्रॉस किया है और अब आ गए हैं एक चौराहा तो नहीं बोलेंगे ना इसको, एक इंटरसेक्शन पर। और यहाँ से हमें जाना है अल्मोड़ा। दो रास्ते जा रहे हैं अल्मोड़ा, एक जा रहा है सामने वाया नैनीताल और एक जा रहा है वाया भीमताल। तो हम नैनीताल वाला रास्ता नहीं लेंगे, भीमताल वाला रास्ता लेंगे। उसमें तो हमें नैनीताल नहीं चढ़ना पड़ेगा, फिर नैनीताल में ट्रैफिक वगैरह भी पड़ सकता है, ऊपर से 10 किलोमीटर का लगभग फ़र्क भी है। तो हम लोग इस रास्ते से जाएँगे भीमताल होते हुए इस रास्ते को ड्रॉप करेंगे। हालांकि दोनों रास्ते कनेक्ट करेंगे जिस जगह में जाना है हमारी जो मंजिल है, लेकिन हम इस रास्ते को उनसे पहले गए भी नहीं। तो थैंक यू भाई, ग्लव्स गिर गया था बता के जा रहे हैं, ग्लव्स गिर गया भाई साहब आपका, एक उठा लूँगा। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने दो लोग रायर में, इन लोग की बाइक बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रह गई। हम लोग निकले थे 8:30 बजे, 8:30, और अभी हो रहे हैं 10:45, यानी 2 घंटे 15 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँचे। मौसम कैसा है? मौसम बहुत आ रहा है, बहुत ऑसम है। मौसम ऑसम है, मौसम ऑसम है यार, बहुत ठंडी हवा थी रास्ते में। भूख बहुत ज्यादा लग रही है इस टाइम हमें, और हम कहाँ रुके हैं सर साथ भाई? हम इस वक्त भवाली से 5 किलोमीटर आगे नाश्ता करने के लिए रुके हैं। ये हमारा फर्स्ट फूड है इस ट्रिप का, अभी तक हमने सुबह से कुछ नहीं किया। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम और ब्रंच, व्हाटएवर जो आप कहना चाहो। और सुबह सिर्फ हल्की सी डेट्स और मिल्क लेके निकले थे। और अभी अच्छा, लास्ट टाइम में मैं यहीं रुका था। ये बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत ही अमेजिंग जगह है ये ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत साइलेंट है आसपास और बहुत अच्छे व्यूज़ हैं आसपास के, आप लोगों ने देखा भी होगा अभी। और मेरे कुछ साथी टॉयलेट जा रहे हैं कुछ लोग लाइन में हैं, वो टॉयलेट के बाद जाएंगे। और ठंड काफ़ी यार, हेलमेट हाफ वाला कवर नहीं कर पा रहा है, फुल हेलमेट है ना, फुल हेलमेट वही पूरा ढकड़ा बंदा की जगह कुछ खुल रही है ना हेलमेट से। मोदी जी शौचालय बहुत बनाया उसका यूज़ करते हुए। मोदी जी का शौचालय नहीं, मोदी जी का शौचालय नहीं है, वही इनका शौचालय है, ठीक है। और पानी ले लिया? बहुत ठंडा है, ठंडा ही होगा। अभी लास्ट वाले टर्न पर एक प्रॉब्लम हुई कि गाड़ी में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आ रहा है, और अगर सरप्राइज के क्या हुआ अचानक से। अभी यहाँ लगकर हम खेड़ना एक जगह पड़ी है भवाली 10 मीटर आगे, यहाँ हमने जो है बाइक दिखाई है तो बिल्कुल ब्रेक नहीं है, सिर्फ डिस्क ब्रेक है। तो अभी यहाँ बाइक दिखाई है, पता चलता है क्या प्रॉब्लम हुई है। दो लोग आगे निकल चुके हैं, बड़ी मुश्किल में फ़ोन लगा तो उनको बताया कि खेड़ना वापस आ जाओ, वो 2-3 किलोमीटर आगे होंगे लगभग हमसे, और वो लोग आ रहे हैं वापस कि अपना ब्रेक वगैरह चेक करा लें क्या प्रॉब्लम हुई अचानक से। ऑलरेडी लेट हैं 2 घंटे, और जो डेस्टिनेशन है
वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर है. सो क्या होगा कैसे होगा भी चेक करते हैं. होप के सब कुछ सही रहे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक हो जाए. ओके आ जाओ, वो दो साथी भी आ गए. ठीक है, देखते हैं क्या होगा. यार बिल्कुल ब्रेक आया है, जीरो पर, मतलब 0%. तो ऑलमोस्ट हमारी जो बाइक्स हैं वो ठीक हो गई हैं. मेरी बाइक में प्रॉब्लम थी और इस दूसरी बाइक में प्रॉब्लम थी. तो अभी बाइक्स ठीक हैं. 2 घंटे लगभग हमारे यहाँ ख़राब हो गए यार, बहुत टाइम लग गया. तो हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, अब ये निकल रहे हैं. अभी आगे के लिए देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, मतलब जहाँ तक प्लान किया था मुझे नहीं लगता वहाँ तक पहुँच पाए. निकले हुए काफ़ी वक्त हो गया है और अभी तक ये नहीं पता कि साथ में कौन कौन है. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ अपने फ्रेंड्स से. मैं निकलने से पहले हर बार बोलता हूँ ना, आपकी बार नहीं बोला यार, हर बार एक अच्छा लगता है कि हेलो आई एम साद, वेलकम टू यू माई यूट्यूब चैनल, इसके व्लॉग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो चलो बोल दिया. सो मेरे साथ मेरे दो और दोस्त हैं, उज़ैब. इसने मुझे थोड़ा आगे आ जाए. ओके, इसने मुझे पहली बार ज्वाइन किया. इससे पहले ये अलग अलग गया है अपनी बाइक ट्रिप करी. मैंने ओली की ट्रिप करी है बाइक से, लद्दाख की ट्रिप करी. मेरे साथ ये जो है अब की बार आया है, फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में हैं. और एक और भी हमारे साथ जो बहुत ही जबरदस्त, क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसके बारे में. और ये आ जा यार. दूसरा है फैजी. कुछ आवाज निकाल भाई, कुछ तो बोल दे. मजा आ रहा है. दो बार गिर चुका है, मतलब गिरते गिरते बच चुका है. बहुत ही फास्ट बाइक चलाता हूँ. फास्ट बाइक नहीं, खराब बाइक चला रहा है. एडवेंचर पूरा ले रहा है. खैर आगे का सफर हमारा अच्छा रहे, आप लोग साथ में बने रहें और दुआ करेंगे हम लोग खैरियत से पहुंचे. खैरियत से जहाँ जाना है. अभी और ये लोग कुछ अपने हाथ पैर सीधे करते हुए मौसम में थोड़ी सी राहत. बीच में कुछ जगह बहुत ठंड थी लेकिन यहाँ मौसम बेहतर है. क्या जगह के क्या नाम है भाई इसका? पेट साल. हाँ, ये एक जगह पड़ी हुई है पेट साल, बड़ी खूबसूरत जगह है. और ये उज़ैब जो है पानी पीने जाता हुआ, पानी पीने जा रहा है या पानी निकालने जा रहा है? जगह बहुत खूबसूरत है यार, लाजवाब जगह. ज़बरदस्त नहीं कहूँगा, लाजवाब भी नहीं कहूँगा. लोग बड़ा टोकते हैं मुझे कि यार तुम ज़बरदस्त और लाजवाब बहुत कहते हो. अब यार ये बताओ कि अच्छी जगह को देखने के बाद सबसे बेहतर कॉम्प्लीमेंट यही होता है ना, लाजवाब, यानी इसका कोई जवाब ही नहीं हो. और ये हमारे, क्या नाम है भाई आपका? चंदन भंडारी. भैया जो हैं हमारे लिए गर्म गर्म चाय बना रहे हैं, शानदार वाली. और पीछे लोग अपने ठंडी में गर्मी का एहसास ले रहे हैं, हाथ तापते हुए. और हाँ भाई फैजी, और ये फैजी, यहाँ नेटवर्क है नहीं तो चैट किससे कर रहे हो भाई? ऐसे ही बस वीडियो में टशन. और कोई नहीं, और मैं हूँ बस. टाइम हो गया 7:45, 7:45 8. और हमें पहुंचना था बिरथी लेकिन
रास्ते में बाइक में प्रॉब्लम हुई और कुछ हमने पोर्ट्रेट्स के चक्कर में थोड़ा टाइम ख़राब किया और सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता है ना, वही हर बार मार्जिन रख के चलना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लेट हो गए और अब हम बिट्टी नहीं पहुँच पाए, इसलिए हम यहाँ रुके हैं बेरीनाग। हाँ, ये जगह है बेरीनाग करके छोटी सी, और यहाँ होटल ले लिया है, अब रात में यहीं स्टे रहेगा और उसके बाद कल सुबह निकलेंगे मुंसियारी के लिए। और ठंड बहुत है, खूब थक चुके हैं और पूरी बॉडी पेन कर रही है। लगभग हमने चेक करना पड़ेगा कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, मैं आपको मेंशन करूँगा। और अभी रूम की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, होटल ले लिया है। होटल का नाम क्या है इसका? ओम धन। होटल ओम धन। ओम धनु। यस, होटल ओम धनु में हम लोग हैं और मैं अभी आपको होटल दिखाता हूँ, रूम भी दिखाता हूँ। चलिए, जहाँ पर हम आराम कर रहे हैं, तीन लोग ऑलरेडी इधर जा चुके हैं, कुछ को आराम करना था, कुछ को कुछ और। सो आइए होटल के अंदर। ये तीनों मित्र हमारे वीडियो में। ठंड खूब है। तो डिनर हो गया, दम अगरब सब्जी, फ्रेश दाल और दाल अगर बेटी। हाँ, मौसम तो अब डिनर कर लिया है, थक चुके हैं, अब जा रहे रूम की तरफ और अब जाके सोएंगे और गोयबो मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। तो गुड नाइट एंड हैव अ साउंड स्लीप। Bye.